subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello guys, welcome to Khyati Classes. आज आपके लिए ख्याति क्लासेस लेकर आई है इंग्लिश ग्रामर क्लास 10 की सिलेबस आपके सामने में एक एक्सपर्ट टीचर इंग्लिश गुरु मिस्टर अनुराग जी जोशी सर आपके सामने यहाँ इंग्लिश पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए आप आज क्या क्या सीखने वाले हैं। आज आपको बताया जाएगा कि इंग्लिश किस तरह से पढ़नी है और किस तरह से बोलनी है, और घर में भी आप बैठे बैठे बड़े लोग छोटे लोग किसी प्रकार के भी यहाँ के बुजुर्ग भी यहाँ पे यहाँ इंग्लिश सीख सकते हैं। तो आप मिस्टर अनुराग जी जोशी से मैं निवेदन करूंगा और वह यहाँ पे आए और आपको इंग्लिश के बारे में कुछ बातें बताएं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ख्याति क्लासेस। एज अवर हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ ख्याति क्लासेस मिस्टर जय दवे हैड रिक्रूटेड मी एंड गिवन मी द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस यू द एंटायर डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंग्लिश ग्रामर ऑफ सीबीएसई आरबीएसई एंड ऑल द कॉम्प्रिहेंसिव बोर्ड। नाउ वी आर गोइंग टू एलोबरेट इट इन द फ्रेश मैनर। इन्होंने मुझे एक ऐसी तक दी है जिसके लिए मैं उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। तो यहाँ पे आपको सर ने बता दिया है कि आज आपको जो यहाँ बताने वाले हैं सर मिस्टर अनुराग जी जोशी, इंग्लिश को आपको सीखना है तो इनकी क्लास को पूरी अटेंड करनी जरूरी है आपको, क्योंकि यह जो इंग्लिश बोलेंगे और आपको सिखाएंगे वो आपको जड़ से पूरी इंग्लिश सिखाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पे क्लास 10 के स्टूडेंट स्पेशल में कह रहा हूँ कि स्पेशली क्लास 10 के स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखें कि आज का जो पार्ट बनने वाला है आपका वह बनने वाला है ग्रामर का सिलेबस किस टाइप से आने वाला है और क्या क्या आप पढ़ने वाले हैं मिस्टर अनुराग जी जोशी सर के साथ में। तो प्लीज जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। जय हिंद जय भारत। तो अब आपके सामने क्लास स्टार्ट होने वाली है मिस्टर अनुराग जी जोशी। मूविंग फर्दर क्लास, आगे हम इंग्लिश ग्रामर के जो आयाम है, जो स्ट्रक्चर है, सिलेबस का जो ढांचा है उसको आज हम निम्न रूप से समझेंगे। उसके बाद दिन प्रतिदिन रोजमर्रा में उपयोग होने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को हम रविवार और मंगलवार की स्पेशल बैच अरेंज करेंगे जिसमें आप डेली रूटीन के वर्ड्स और इन सब चीज़ों को हम एक्सपर्ट लेक्चर या स्पेशल जो बैच सीरीज होगी उसमें हम समझेंगे। आज हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। माइसेल्फ अनुराग जोशी, आई एम गोइंग टू रिक्रूटेड एज अ फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ग्रामर इन दी ख्याति क्लासेस बाय हेड ऑफ डिपार्टमेंट जय सर। देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्स डिटेल्स। सो बेसिकली वी आर कवरिंग दी 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड इंग्लिश लिटरेचर ग्रामर इन सब्स्टिट्यूएंट मैनर। देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट विच बोर्ड वी आर गोइंग टू टेक बिकॉज इट इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ख्याति क्लासेस के जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उस पर हम किस बोर्ड के माध्यम के सिलेबस को इंक्लूड करते थे वो हमारा तीसरा सवाल है। दो सवालों के जवाब देने के बाद हम तीसरे सवाल की ओर मुड़ चुके हैं। तो तीसरा सवाल, बोर्ड वी आर गोइंग टू टेक आई हैड लर्नड एंड एक्सपर्टाइज इन सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड एंड आरबीएसई। सो द एनसीईआरटी सिलेबस ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट कैन बी टेकन इनटू सिलेबस ऑफ सीबीएसई एंड आरबीएसई। वी आर मेकिंग ए सिलेबस, हमने ऐसा स्ट्रक्चर का एक ढांचा तैयार किया है जिसके अंदर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आरबीएसई राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को सम्मिलित करके जो सिलेबस है उसको हमने यहाँ पे तैयार किया है। अगर आपका कोई भी एक टॉपिक छूटता है तो आप कमेंट सेशन में हमें उसको बता सकते हैं, उसके लिए आपका स्वागत है। तो इन तीन सवालों के उत्तर देने के बाद आज हम सिलेबस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो मूविंग फर्दर वी आर डिस्कसिंग द एंटायर सिलेबस ऑफ कंक्लूसिवली ऑफ आरबीएसई एंड सीबीएसई, दो देयर इज नो एनी डाउट इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। सो मूविंग टुवर्ड्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ 10th स्टैंडर्ड बोर्ड इज मिसिंग टेस्ट। मिसिंग टेस्ट इज ऑल्सो नोन एज क्लोज टेस्ट। उसमें हमें
जो वाक्य में जो त्रुटियां हैं, जो त्रुटियां वाक्य हैं, उसको हमको फिर से पुनः सुधार करके उस वाक्यों को अरेंज करना होगा। दैट इज कॉल्ड अ मिसिंग टेस्ट। क्या गलती है सुधार के करना है, उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो आपके 10th, 11th और 12th और कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसी चीजें आती हैं अंग्रेजी में, सामान्य अंग्रेजी में, उसको हम यहाँ से देख के अनेकों अनेक जगह पे अंततोगत हम अप्लाई कर सकते हैं। देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स गैप फिलिंग इटसेल्फ शोज इट्स मीनिंग इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट। सो ये जो नाम है वही अपने आप में अपने जो स्वभाव है उसको चरितार्थ करता है। गैप फिलिंग, जहां भी अगर कुछ रिक्त स्थान है उसकी हमें पूर्ति करनी है। उसके बाद है नेक्स्ट इज थर्ड सेंटेंस कंप्लीशन। आपको बीच में सेंटेंस को अधूरा छोड़ दिया जाएगा, अधूरे वाक्य को पूर्ण करना, दैट इज नोन एज सेंटेंस कंप्लीशन। देन आफ्टर सेंटेंस रीऑर्डरिंग, सेंटेंस कंप्लीशन एंड सेंटेंस रीऑर्डरिंग। रीऑर्डरिंग में द सेंटेंस इज मेस्ड मीनिंगलेस। जो वाक्य है उसको बिना अर्थ का इस प्रकार से वाक्य का ढांचा तैयार किया जाता है प्रश्न में, और हमें ऐसा वाक्य का ढांचा तैयार करना है, ऐसा वाक्य तैयार करना है जिसका कुछ मर्म निकले, कुछ अर्थ निकले और उसका कुछ मीनिंग निकले। दैट इज नोन एज सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग और सेंटेंस कंप्लीशन के लिए जो सेंटेंस का एक टॉपिक है उसको तैयार किया है, जिसके अनुरूप में आप इन दोनों टॉपिकों को आसानी से गहन पूर्वक विचारशील होके समझ सकते हैं। देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ टॉपिक, दैट इज नोन एज डायलॉग कंप्लीशन। इन दैट डायलॉग कंप्लीशन सेगमेंट द ऑल डायलॉग इज रिटन इन योर क्वेश्चन पेपर। In that particular, you have to complete the dialogue and you get the easy marks. It is a process where you can obtain a marks without a mistake. बिना गलती के आसानी पूर्वक से आप नंबर प्राप्त कर सकते हो और अपने 10वीं में और कंपटीशन एग्जाम में अच्छे तरह से मार्क्स को प्राप्त करके अपने जीवन की सफलता की ओर मोड़ सकते हैं। Then after sentence transformation, sentence transformation वाक्य को किसी और रूप में बदलना, transform करना, वो हमारा जो next topic है active passive, उसके अनुसार से हम कर पाएंगे। Then after the entire RBSC syllabus is with CBSC daily, हम एक एक टॉपिक को कवर करके RBSC और CBSC का पूरा कोर्स यहाँ पे एक एक लेक्चर को डिटेल में हम समझेंगे। टेंस काल जो चार नंबर का आता है एज पर RBSC गाइडलाइन, CBSC में थोड़ा ज्यादा नंबर का आता है। देन आफ्टर मूविंग टुवर्ड्स द क्लॉजेस इज अरेंज फॉर्म ऑफ नाउन एडवर्ब प्रोनाउन that we will take in that संज्ञा सर्वनाम, ये सब चीजों को हम क्लॉजेस मिलेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से आप अवगत होंगे जो चार नंबर का आता है RBSC बोर्ड में, उसको हम यहाँ पे एक एक डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच, कन्वर्जन, ट्रांसफॉर्मेशन, इन सब चीजों को आसानी से समझेंगे। मॉडल्स 23 और 24 प्रकार के मॉडल्स है, उसको हम एक एक मॉडल्स को दिन में 3-4 मॉडल जिस प्रकार से हम यहाँ पे समझेंगे। देन आफ्टर द एक्टिव पैसिव, एक्टिव पैसिव वॉइस That is important for the sentence transformation. जब मैंने sentence transformation की बात की थी तब आपको डिटेल में समझाया था कि एक्टिव पैसिव पूर्ण रूप से समझने के बाद इस टॉपिक के ऊपर आपकी मास्टरी हासिल हो जाएगी, जो 10वीं, 12वीं और अन्य कंपटीशन विविध परीक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, नमस्ते, ख्याति क्लासेस।